नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो F25 5G मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आते ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और न्यूमेरिक अल्फामेरिक पैटर्न किसी भी एक पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ, फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद इस तरीके से आएगा। तो आपको एक पैटर्न डाल लेना है जो भी आप रखना चाहते हो, फिर से कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप देख पाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट जो दिया गया है इसको स्कैन करवा लेना है, अच्छे से स्कैन करवाना है। जितना ही अच्छे से आप फिंगर को स्कैन करवाएंगे उतना ही फास्ट आपका जो है फिंगरप्रिंट वर्क करेगा। तो देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर जो है फिंगर को स्कैन करवा ले रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी फिंगर को स्कैन करवा लेना है। तो उसके बाद डन आ जाएगा। तो दोस्तों डन पे क्लिक कर देना है। अभी एक फिंगर ऐड हो चुका है यहाँ पर, देख पा रहे हो एक फिंगर ऐड हो चुका है। ऐड फिंगर पर क्लिक करके दूसरे फिंगर को भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा कि नहीं लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट सेटिंग कर सकते हैं।